So guys, today we released our first test, 30 days to CET wala test. Rules we are going to add crap in it is release one test for everyone. You guys can check my video or register on this form if you want to take an everyday free test for NBA CET with 30 days to go. What we are going to do is that वो test हम अभी like solve करेंगे and तुम्हें पूरा solution पता चलेगा that ये test को fast कैसे solve कर रहा है. Before that, I'll tell you that कल से, that is from 19 February. रोज रात को दिस इज गोइंग टू बी अ सेशन एंड एवरी नाइट आई एम गोइंग टू रिलीज हु इज द टॉपर ऑफ दैट टेस्ट ऑन दैट डे. तो डे 29 का टॉपर जो भी होगा, डे 28 का टॉपर जिगर पारे, डे 29 का टॉपर हर्ष, ऐसे सब अलग अलग लोग होंगे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट नेम्स, बट वी विल सी हु इज द टॉपर एंड कंसिस्टेंटली यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर स्टैंडिंग एज कम्पेयर टू अदर्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट. चलो, सो 30 डेज टू सीईटी. Before that, I want you guys to remember, and also I want to announce it again. Tomorrow, February 19th, we are going to have a live mock analysis session. It is going to be a detailed analysis session. It will be on Zoom. It is free for everyone. ये एक ही session free होने वाला है, बाकी कभी नहीं होगा. And this will be the best mock analysis session that you have sat for, because ऐसा mock analysis session कोई नहीं लेता. This is only crack in this thing. This will help you definitely a lot. So you can register on this QR code and you can attend the session. It will be a very helpful session. Chalo, let's start with the test. So, bahut saari cheeze hum try karenge purely solve karne. The average of 5 children is 7 years, which is increased by 5 years when the age of the father is included. Dekho. Now, sabse pehle ye baat samjho guys. Averages ka rule hota hai that jab koi bahar wala aata hai, उसको कंपेयर करो प्रीवियस एवरेज के साथ. तो पांच बच्चे एवरेज उनकी 7 इयर्स की एज है. अगर फादर का एज इज 7 इयर्स, देन द एवरेज विल नॉट चेंज, क्योंकि 6 जन का साथ हो जाएगा, सातवां छठा आया वो भी 7 के साथ ही आएगा, तो एवरेज विल नॉट चेंज. बट द एवरेज इंक्रीज बाय 5, मतलब द फादर केम विद 7 एंड उसने सबको 5 5 5 एक्स्ट्रा दिए, तो 5 5 5 5 and 5. So that is the father came with 7 and 30 extra. So the father's age is 37. That is option B. I hope you guys understand. Yes, हम ऐसे करते हैं, orally करते हैं और बहुत fast करते हैं. The second one. A batsman makes a score of 40 runs in the fifth inning, thus increasing his average by 4. उसने पहले कुछ तो runs बनाए, बहुत सारे. बट उसने 40th इनिंग में आके 5th इनिंग में आके 40 रन बनाए, जिसकी वजह से उसका स्कोर इंक्रीज हो गया 4 से. यूजिंग द सेम लॉजिक, इन लोग का 1 2 3 4 कुछ तो स्कोर होगा पहली चार इनिंग. पांचवी इनिंग सेम स्कोर लेके आई और उसने सब में 4 4 4 एक्स्ट्रा दिए, 4 4 4 4 4, तो उसने 20 एक्स्ट्रा दिए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एवरेज. तो ये प्रीवियस एवरेज लेके आया, बट ये टोटल कितना लाया, 40. तो 40 इज प्रीवियस एवरेज प्लस 20, मतलब प्रीवियस एवरेज वाज 20, मतलब बाकी सारी इनिंग्स में उसने ऑन एन एवरेज 20 रन्स बनाए और ये इनिंग्स में उसने 40 रन्स बनाए, तो 20 का एवरेज प्लस सबको 4 4 4 दे दिए. सो दैट इज व्हाई द एवरेज ऑफ द, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द न्यू एवरेज. द न्यू एवरेज इज 24 एंड द ओल्ड एवरेज इज 20. ओके, I hope you guys understand. It's a very easy way to solve. Averages के सारे sums को ऐसे ही solve करने, change in average का sum. चलो. Due to a 25% hike in price of a rice per kilogram. देखो guys, price and quantity both are inversely proportional. मतलब समझो, अगर price पहले 4 था और अब 5 हो गया, which is the case here. 25% hike मतलब 1/4 increase हो. तो राइस का क्वांटिटी अगर पहले मैं 5 खरीदता था तो अब 4 हो जाएगा. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. तो गाइस, बट ये जो इनका डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअल में 5 kg. 5 kg इज डिफरेंस ऑफ व्हाट, इन द रेशियो 1. सो इन दिस रेशियो 1 इक्वल्स 5 kg, तो 5 मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 25 kg is the original quantity and the new quantity is 20 kg. Now,
फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। अगर वो पहले 25 kg खरीदता था एंड अब 20 kg खरीद सकता है, सो व्हाट इज द न्यू प्राइस? वो 200 रुपए में 20 kg खरीदता है, पर केजी 10 रुपीज। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई होप तुम लोगों को समझा। ये रेशियो का सम है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये नॉर्मली वो लोग कभी भी पूछ सकते हैं ऐसे ही तरीके से। क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लास। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप आर बॉयज? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज? देखो क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए, तो क्लास ए को अज्यूम करो 100 है, क्लास बी का 150। अब बॉयज गर्ल्स स्प्लिट। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। दिस विल हैपन ओनली व्हेन, जब यहाँ पे 60 है एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। ये जब होगा तब यहाँ पे 40 गर्ल्स हो जाएंगी एंड यहाँ पे 90 बॉयज। व्हाई व्हाई डिड आई मेक दिस नंबर एज 60? इट्स बिकॉज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस इज द सेम। यहाँ पे मैंने लिया, अगर मैं गर्ल्स का यहाँ पे 40% है, 60 इज ऑल्सो 40% ऑफ 150, सो दैट इज वाई दी ओनली पॉसिबल नंबर दैट वी कुड हैव टेकन इज 60, जो दोनों में कॉमन आता है और 40% भी पकड़ता है। ओके उस हिसाब से व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट बॉयज स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज? टोटल 250 में से 150 बॉयज है, तो 150 आउट ऑफ 250 आर बॉयज, दैट इज 3/5। सो द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट बेस। ओके ये ऐसे सॉल्व करते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। इसके लिए तुम्हारा स्पीड मैथ्स बहुत जरूरी और बहुत अच्छा होना जरूरी है, तो स्पीड मैथ्स एंड परसेंटेजेस ये दोनों, ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था उनकी अंडरस्टैंडिंग। एंड फाइनली दिस, इफ यू आर यूज टू हैविंग योर स्टिमुलेशन कम फ्रॉम आउटसाइड, योर माइंड हैविंग डेवलप्ड इट्स ओन हैबिट्स। ये एक बार गाइस पढ़ो एंड आई सजेस्ट दैट आदत हटा दो ऑप्शंस के साथ सॉल्व करने की। नेवर यूज दी ऑप्शंस, पहले पढ़ो। मार्क्स थॉट द रिलीजन वाज एन ओपिएट बिकॉज़ इट सूथ पीपल्स पेन एंड सफरिंग। इफ कार्ल मार्क्स वाज अलाइव, कभी भी किसी का आधा नाम लिखा है या फिर सिर्फ सरनेम लिखा है, उसके पहले उसके पूरा नाम से उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। कार्ल मार्क्स के बारे में है तो आई सजेस्ट दैट सी विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर थिंग। If Karl Marx was alive today, he would say that television is the opiate of the people. If he was alive today, but वो पहले ओपियम के बारे में बात करता रहा। ओपिएट मतलब नशा, ड्रग है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बताया, उसको पहले लगता था कि रिलीजन इज द ओपियम। और वो ऐसा क्यों बोलता था? बिकॉज वो लोगों को ऊपर आने से बचाता है। इट सूट पीपल्स पेन एंड सफरिंग एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम राइजिंग इन रेबेलियन। उनको कोई भी रेबेलियन करने से रोक देता है क्योंकि उन लोग को आदत लगाता है, हाँ पेन तो तुम्हें चाहिए ही। सेम चीज टेलीविजन करता है। टेलीविजन एंड सिमिलर एंटरटेनमेंट्स आर इवन मोर ऑफ एन ओपिएट बिकॉज ऑफ देयर एडिक्टिव टेंडेंसीज। डायरेक्ट कंपैरिजन, मार्क्स को यह लगता था और अब टेलीविजन ने उसकी जगह ले ली है। एंड फाइनली व्हाई, वो जगह क्यों ली है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है ए में। इफ यू आर यूज्ड टू हैविंग योर स्टिमुलेशन कम इन फ्रॉम आउटसाइड, योर माइंड नेवर develops its own habits of thinking and reflecting, and that is option A. That is how you solve this. पूरा पैसेज एक बार प्रॉपरली समझो। पहले आदमी का इंट्रोडक्शन, बाद में उसने क्या सोचा, आज के जमाने में उसके सोच का पैरेलल क्या है और क्यों है, ये पूरा पैराग्राफ ऐसे चलता है। To improve parajamans, what you have to do is reading. If you guys know, मैंने अपने 30 day का टाइम टेबल तुम लोगों को दिया है, इन विच 30 days में तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ दिया हुआ है। फॉलो इट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज रीडिंग, स्पीड मैच, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो आज के टेस्ट में एक और चीज थी एंड दैट इज एन LR पजल।
एलआर पजल सैडली मैं अभी नहीं सिखा सकता, मैं कल एलआर पजल भी ले लूंगा जो आज की टेस्ट का था, एंड कल मैं पूरा सेशन भी लाइव दे, ओके, एंड टुमारो आई विल ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग द टॉपर्स। आई अगेन सजेस्ट यू गाइस दैट यू रजिस्टर फॉर द सेमिनार, एंड अगर तुम लोगों को रोज ये टेस्ट देनी है देन प्लीज रजिस्टर फॉर आवर डेली टेस्ट बाय ज्वाइनिंग आवर व्हाट्सएप ग्रुप। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम दिस लिंक, दिस क्यूआर कोड। वेट, आई विल शो यू द क्यूआर कोड। So to take daily tests with Crack Every Test, scan this QR and fill the form. Just a minute. And you guys will be able to take tests with us every day. WhatsApp group join करो, WhatsApp group में रोज टेस्ट की लिंक आ जाएगी। I hope you guys are joining the WhatsApp group. अच्छा, oh sorry. ये रहा। I'm sorry about this, a little technologically backward. So you can scan this QR code and make sure that you guys fill the form properly. तुम्हें जो भी problem आ रही है वो मुझे बताओ and I'll solve the problem for you. You guys after joining the form will be after filling the form will be able to join this group जिसमें रोज तुम्हें test का link आ जाएगा. Okay? We already have 481 people. So I suggest that you guys start joining because group की capacity 1000 की ही है. 1000 खत्म, group खत्म. Okay? So you are more than welcome guys. I really want to see you in all these tests and I want to see a lot of results. Yeah. Bye everyone.